बहुत अच्छी मूवी और सरहदा दे विच जेड़ा सांझ होनी चाहिए है वो मैसेज भी है कॉमेडी भी बहुत अच्छी मूवी ऑसम स्पीचलेस बहुत वधिया मैनू लगता पंजाबी इंडस्ट्री से पहली इद्दां दी फिल्म होनी है बहुत वधिया एंड आई थिंक शी इज एक्सलेंट अली बहुत एक्सलेंट दीपक नो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मैं लगता पंजाबी इंडस्ट्री से योजे डायरेक्टर होना चाहिए है सत श्रीकाल जी बड़ी वधिया फिल्म सी ते बड़ी देर बाद इन्नी इमोशनल और वधिया फिल्म वेखी है ते मैं लगता पूरी फुल हिट जाएगी फिल्म है वधिया 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 बहुत वधिया लगी फिल्म तो बहुत बढ़िया जो इन्होंने यारी दोस्ती दसी इंडिया ते पाकिस्तान भी बहुत देख के मजा आया ऑसम मूवी इस तो सोनी मूवी नहीं हो सकती आज तक बथेरी मूवी देखी है पर एहो जी मूवी नहीं देखी आज तक सत श्रीकाल जी यार अच्छी रोमांटिक फिल्म बनाई है एंड अच्छा है जरूरी नहीं मिलना होंदा कई बार जिंदगी पर थापर ने बहुत अच्छा काम किया एक वक्री फिल्म है दोनों पंजाबा दी है इमोशनल्स है गए हैं ना सो उन्होंने एक सपना देखा दोनों पंजाब इकट्ठे होता है रब करे पूरा हो जाए ऑल द बेस्ट थैंक यू भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया मूवी लगी फिल्म देख बहुत बढ़िया लगी बहुत ज्यादा बढ़िया कितना लगी बहुत बढ़िया लगी मूवी देख के रूह खुश होती है कि पंजाबी मूवी इतनी सोहनी स्टोरी लाइक लव स्टोरी है बट लव स्टोरी जो एंगल है गया दैट्स टू गुड बहुत सोहनी है बिल्कुल बिल्कुल एक पाकिस्तान का हीरो दैन उन्होंने एक्टिंग ते बाकी जी स्टोरी लाइन है दैट्स टू गुड बहुत ज़्यादा नाइस हाँ जी बहुत वधिया जी बहुत बढ़िया है मैसेज बहुत अच्छा दिया है बेसिकली एक मैसेज भी बहुत अच्छा से जा रहा है जो हिंदी मूवीज़ में होते हैं पंजाबी में पहली बार ऐसी मूवी बनी है बहुत बेस्ट है मतलब इंडिया और पाकिस्तान को खुल जाना चाहिए यहाँ के लोग हाँ वहाँ के जो गलत हैं वो सबके हर देश में गलत हैं जो अच्छे हैं वो हर जगह अच्छे हैं जिनको अच्छे लगे वो आओ जिसको नहीं लगे ना जाओ आओ जाओ सब अपना खुल ऐश करो बंदिशें क्यों डाल रखी हैं सबके बीच में बस वही बात मेन मैसेज ही वही है बस बहुत बढ़िया सी फिल्म पहलों भी इन्हों दियाँ तीन चार फिल्म आ चुकी वह भी वधिया सी लेकिन ये एक अलग स्टोरी है ठीक है बहुत वधिया लगी सानू एक्टिंग बहुत वधिया सी एंड तो जिहड़ा सस्पेंस सीगा वो होर भी वधिया लगा उहदा रीजन मगर किदां किदां हुई जानी वधिया बहुत अच्छी मूवी है अलग सा है कुछ डिफरेंट सा बहुत अच्छा लगा और ये सीखने को मिल रहा है कि हमें अपने ड्रीम्स तो लिव करने ही चाहिए उसके अलावा मतलब लव एंड ड्रीम्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा वधिया मूवी बहुत मतलब जो एक विच सीन आया ना उन्हें सारी मूवी चेंज कर दी मतलब कभी सोचा नहीं कि यह भी हो सकता है कि एंडिंग इदा भी हो सकती है मैं तो सारे कहूँगी जाओ मूवी देख के आओ एक अलग ही मैसेज है मतलब एक जो दो कंट्रियां एक मिलाने वाला काम है वह दिखाया है बहुत वधिया थैंक यू बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी सी और आपस में जो एक इट इज़ अ वेरी गुड लव स्टोरी तो सी सी बट जो दो कंट्रीज़ का आपस में मेल मिलाप दिखाया ना ये दैट इज़ वेरी गुड कि वो एक दिख रहा है कि जो आपस में जो झगड़े जो चीज़ा होती हैं वो चीज़ों को ख़त्म करो तो प्यार ना बिल्कुल बिल्कुल दैट्स फ्रेंडशिप नू प्रमोट करने वाली पिक्चर है इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया की और लव स्टोरी बहुत अच्छी है म्यूजिक बहुत अच्छा है डायरेक्शन बहुत अच्छी है सब कुछ बहुत अच्छा है और अगर सच सच दे विच पाकिस्तान और इंडिया का इन्ना प्यार हो जाए आपस तो बहुत अच्छी विश कर दिया ये पूरे संसार पूरे वर्ल्ड विच मैसेज जाए कि प्यार नाल हर जंग जीती जा सकती है जो उन्होंने दसिया पहला तो यही कहोंगे ना बस यही मैसेज है कि नफरत छड़ के प्यार नाल तुसी सब कुछ कर सकते हो इट्स एन अनकन्वेंशनल वे इन विच पंजाबी इंडस्ट्री इज आल्सो मूविंग बहुत ही सुंदर मैसेज भी दिया था तो अच्छा लग रहा है देख के कि पंजाबी इंडस्ट्री एक डिफरेंट व्यू पॉइंट लेके आ रही है थैंक यू भाई